पड़ता है, प्रोफेसर एचओडी अगरतंत्र डिपार्टमेंट। और आप लोगों को आज मैं खास क्यों आज आप लोगों से मिली हूँ, मेरी मेन मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ नशा मुक्ति का ट्रीटमेंट होता है। मेन तो हमारे यहाँ बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, कुछ भी आप खाते हैं या आपका परिवार में कोई भी लेता है तो जरूर ठीक होगा। यहाँ हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसमें क्या है कि पेशेंट आपका जो है बहुत कम दिन में पूरा नशा से मुक्ति हो। और हमारे बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम यहाँ जो आसपास के गांव हैं और कस्बे हैं वहाँ पर हम लोग भेजते हैं, वो नशा मुक्ति के बारे में बताते हैं और वहाँ से पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट का लिए हॉस्पिटल को भेजते हैं। तो आप लोग भी, हमारे बच्चे यदि आपको आपके गाँव में मिलते हैं, आप उनको सहयोग कीजिए। मैं डॉक्टर रोहित माठक, जेएस आयुर्वेदा हॉस्पिटल से। हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा, जैसे शराब, तंबाकू, सिगरेट या फिर बीड़ी का कोई भी नशा हो, यहाँ पर हम लोग उसका इलाज करते हैं। एवं त्वचा के विकार, किसी भी प्रकार का विकार, उसको हम लोग यहाँ पर इलाज करते हैं। या हमारे टीचर्स भी हैं आपके संस्पर्श में, भी कोई भी आए तो आप उनको जीएस के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में नहीं है। तो अभी हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, तो ये सेंटर में अलग अलग विभिन्न नोएडा, दिल्ली से भी पेशेंट्स आते हैं। तो हमने सोचा कि हापुड़ में भी हम लर्नेस दें। तो आगे आने वाले दिन में यदि आप लोग चाहेंगे, लोगों को आप जीएस मेडिकल कॉलेज में भेजिए, वहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। तो जो चाहते हैं छोटा, आप लोगों के रेंज में जो भी लोग हों उनको आप बताएं, और नशा से होने वाले दुष्प्रभाव है उनके बारे में बताएं, क्योंकि आप लोग हमारी यूथ हैं। आप लोग जैसे बनोगे देश हमारा वैसे ही बनेगा। तो हम सबको मिलकर हल्ला बोलना है, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सबको बचाओ। आप लोग जो है, आपके पास में ही हमारा कॉलेज है, हॉस्पिटल, आयुर्वेदा हॉस्पिटल। तो प्लीज़ आप लोग जो है उनको अपना, हमारा एड्रेस दीजिए और बताइए कि वहाँ पर जो है नशा 101% छूटता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का नशा हो, ठीक है। और वहाँ पे जो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, नशा के बहुत सारे केसेस वो लोग देख चुके हैं। तो आप लोग हमारा जो है एड्रेस उनको दीजिए, जीएस आयुर्वेदा कॉलेज पिलखुआ, ठीक है। मेरा नाम सुमित है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं बीड़ी, गुटखा, सिगरेट का सेवन करता था, जिससे मेरे को सांस लेने में मुझे दिक्कत सी होने लगी। मैंने जीएस मेडिकल कॉलेज का नाम सुना, वहाँ पर मैं गया, वहाँ से मैंने दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद आज मेरी तबीयत में बहुत सुधार है, आज मैं पहले से ज़्यादा बेहतर फील करता हूँ। मेरा नाम प्रकाश यादव है, मुझे दारू पीने की बहुत आदत थी, एक दिन में 7-8 रुपये खर्च कर देता था। फिर मुझे किसी ने जीएस आयुर्वेदा कॉलेज में जीना मैम से मिलने को बताया, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे दवा बताई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दारू पीने की आदत बंद हो गई। मेरा नाम अशोक है, मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, लगभग मैं दिन में 10-12 सिगरेट पी जाया करता था। तो इससे क्या हुआ कि जब भी मैं चलता था मेरा सांस फूल जाता था, सीने में दर्द भी होता था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मुझे महसूस होती थी। लेकिन उसके बाद मुझे कहीं से पता लगा कि मैंने ना जीएस आयुर्वेदा में इलाज कराया अपना, और मैं इलाज के बारे कह सकता हूँ कि मुझे काफ़ी आराम है। अभी मैं 3-4 किलोमीटर पैदल ही चल लेता हूँ तो भी मेरा सांस नहीं फूलता और मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। रोहित है, मेरी दिन में 4-5 पैकेट सिगरेट की बहुत आदत थी, तो मुझे किसी ने बताया जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में जाना और मधु मैडम से मिलना, उन्हें दिखाना। मैंने उन्हें दिखाया, उनकी दवा ली, तो उनकी दवा लेने से मुझे बहुत फ़ायदा है, अब मुझे सिगरेट पीने का मन नहीं करता बिल्कुल। मेरा नाम सोनम कुमार है और मुझे सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत थी, दिन में 2-3 बार सिगरेट पी लेता था। और मुझे किसी ने बोला कि जीएस मेडी आयुर्वेदा कॉलेज में जाके जीना मैम से मिलना और उन्होंने उन्हें दिखाना, और मुझे उनकी दवाई से इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरा सिगरेट पीने का मन तक नहीं करता।